नमस्कार, मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक। और आज मैं बिना किसी भूमिका के सबसे पहला सवाल जो पूछना चाहता हूं कि बिहार का असली बेटा कौन है? नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पप्पू यादव या फिर कोई और नेता? सर, बिहार का असली बेटा कौन है, आज बता ही दीजिए। देखिए, बिहार का असली नेता वो बेटा वो है जो हर मुसीबत में बिहार के साथ के लोगों के साथ खड़ा दिखता है। वो बयानों में नहीं खड़ा दिखता है, वो जमीन पे खड़ा दिखता है। वो लोगों की मदद करता है, जाता है। याद कीजिए, जब पटना में बाढ़ आई थी कौन सा शख्स खड़ा हुआ था? तो जिसको हम लोग कई लोग बाहुबली बोलते हैं, पप्पू यादव खड़े हुए थे। पटना में जब भीषण बाढ़ आई थी पप्पू यादव जा के सबकी मदद किए थे। जिन जो काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए था, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी करना चाहिए था, वहां पप्पू यादव जा रहे हैं। उसके बाद आता है कोरोना काल, तो कोरोना काल में भी सबके सुख दुख में कौन जा के मदद करता है? तो पप्पू यादव खड़े होते हैं। और अभी जो ऐतिहासिक बाढ़ आई है नेपाल के सटे हुए कोसी क्षेत्र, इसको आप ज्यादा अच्छी तरह समझा पाएंगे, दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों में नेपाल से जो पानी छोड़ा गया है, जो पिछले 50-60 सालों में ऐसी भयंकर बाढ़ बिहार ने नहीं देखी। और ऐसे समय में जब पप्पू यादव के खुद पिताजी की मौत हुई है और वहां तमाम आयोजन चल रहे, कार्यक्रम चल रहा है, उनके पिताजी के उसकी तिरही वगैरह तमाम कार्य, उस समय में भी पप्पू यादव वो छोड़ के जा रहे हैं बाढ़ पीड़ितों के पास। कभी मोटरसाइकिल से चले जा रहे हैं तो कभी उससे चले जा रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं, वो उपलब्ध करा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि ये शख्स जिसको कि मीडिया बाहुबली कहता है, माफिया कहता है, लेकिन भाई जिसको बाहुबली कहते हैं, माफिया कहते हैं, वो तो जा के गरीबों की मदद कर रहा है। तो असली बेटा कौन हुआ? असली बेटा, भाई, गार्जियन कौन होता है जो आपके दुख में खड़ा होता है? आपका अच्छा समय चल रहा है, हमने एक बढ़िया मकान बनाया है, गृह प्रवेश किया है, हमने पार्टी दी है, बढ़िया खाना बनवाया है, तो सारे लोग आएंगे, इसको इसको हम बता देंगे। लेकिन जब हम आपत्ति में फंसे हो, जब पूरी बाढ़ आई हुई हो, जब कोरोना फैला हुआ हो, उस वक्त कौन दरवाजे दरवाजे जाके मदद कर रहा है? अभी देखिए, आपको पता है नीतीश जी क्या बहुत क्यों होंगे, नीतीश जी हेलीकॉप्टर से दौरा कर लिए, यूपी के मुख्यमंत्री क्या कि वैसे तो मैं उनके कई कामों की आलोचना करता हूं, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री कई बार बाढ़ राहत क्षेत्रों में वो जो स्टीमर होती है स्पेशल वाली एनडीआरएफ की, उस पर बैठ के जाते और देखते हैं। ये काम तो मुख्यमंत्री कर सकते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव प्रचार में हर पार्टियां 20-30 हेलीकॉप्टर ले लेती है, आप बाढ़ राहत के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं ले रहे हो? वही जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू पिछले 19-20 सालों से जनता बिहार में शासन में है, उसके पहले आरजेडी लगातार 15 साल तक शासन में रही है, और बीच में लगभग 3-4 साल तक वो नीतीश के साथ इधर भी शासन में रहे हैं, और बीजेपी भी कई बार लगातार गठबंधन में नीतीश के साथ शासन में रही है। पिछले 20 साल में अगर 3-4 साल का समय हटा दे तो 16 साल तक बीजेपी तो राष्ट्रीय पार्टी है, क्यों नहीं बीजेपी ने अपने पार्टी फंड से हेलीकॉप्टर भेजा, हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री भेजी जाए? आज एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर गया था राहत सामग्री लेके, लेकिन वो एक दुर्घटना का शिकार। आपको समझना पड़ेगा, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बिहार का असली बेटा कौन है? पप्पू यादव है भाई, क्योंकि वो किसी बड़े राजनीतिक घराने से नहीं आता है।
ज्यादातर इंडिपेंडेंट लड़ते हैं चुनाव, बीच में भी कांग्रेस में शामिल हुए थे, कांग्रेस उनको पुणिया से टिकट नहीं दिया, इंडिपेंडेंट लड़े और चुनाव जीत गए। सोचिए जिस देश में ज्यादातर जनता ने या तो नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट किया या जिस राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया, उस चुनाव में जहां 1-1 फाइट थी वहां पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को भी हराया पुणिया से और भाजपा के प्रत्याशी को भी हराया। इसका मतलब क्या है कि गरीब कमजोर तबका, चाहे वो हर बिरादरी का, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे मुसलमान हो, उन सबको लगा ना पूर्णिया में कि ये आदमी हम लोग के साथ खड़ा रहता है। यार याद कीजिए पटना में जब ऐतिहासिक बाढ़ आई थी, कौन सा नेता था जो जा रहा था? पप्पू यादव की ठीक ठाक उम्र, बुलेट लेके देखा दिन पहुंच गए, गाड़ी की छत पे बैठ के जा रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, अगर पैसा बांट रहे हैं तो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई सबको पता है, सब आदमी मानता है कि हर नेता के पास बहुत नगद है, लेकिन बांटता कौन है? कौन जाके गेहूं खाना पीना बंटवा रहा है, पैसा बंटवा रहा है, बीमारी का इलाज करा रहा है? और आज तो बड़ी, मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा, ये बात मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगा, इसमें क्या तेजस्वी यादव कहाँ है, तेज प्रताप कहाँ है? नीतीश कुमार ने एक फॉर्मेलिटी कर ली, हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लिया, बार बार जाने वाले नड्डा जी ने क्या वहां दौरा किया? चिराग पासवान क्या स्टीमर पे, एनडीआरएफ की स्टीमर में घूमे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहां घूमे वो उन जिलों में, दरभंगा और आसपास के जिलों में? तो ये आप देखिए, जानते हैं क्या हो, जहां तक अगर मेरी जानकारी सही है तो शायद 2019 में पप्पू यादव चुनाव हार गए। हाँ, लेकिन जनता ने देखा कि किस तरह पूरे बिहार के दुख में वो खड़े रहे, चाहे वो पटना की बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो उसके बाद, उसी पूर्णिया की जनता ने ऐसे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी पप्पू यादव को चुनाव जिता दिया। एक तरफ है प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी लेके आ रहे हैं, हमको प्रशांत किशोर की राजनीति में आने को कोई परहेज नहीं है, लेकिन अभी मैं देख रहा था उनकी पार्टी का आज लॉन्चिंग समारोह है, जिस समय बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है, 2.5-3 करोड़ की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, कई मकान कई घर बह गए हैं, ऐसे समय में प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की लॉन्चिंग में जो आज कई लाख रुपया करोड़ों रुपया खर्चा किया है, आज वो पार्टी न लॉन्च करते और इस वक्त जो उनके कार्यकर्ता हैं अपने समर्थकों के साथ जाके वो मदद करते ना, तो मैं मानता कि प्रशांत किशोर वास्तव में बिहार का भला चाहते हैं। आप क्या करेंगे, किसी का घर बरसात में बह गया है, खाने के लिए नहीं है, आदमी जानवर सब परेशान, ऐसे ऐसे विजुअल आ रहे हैं राज कपूर जी वीडियो पे, सोशल मीडिया पे, अब तो गनीमत है कि एक सोशल मीडिया आ गया है और हर आदमी वीडियो पोस्ट कर दे रहा है ट्विटर पे, फेसबुक पे, और तमाम वीडियो चल रहे हैं। अब जाके देखिए ना पप्पू यादव के कितने वीडियो ट्विटर पे भरे हुए हैं, तो राजेश रंजन और पप्पू यादव, मुझे लगता है कि बिहार के नेता, सब नेता कहते हैं कि लालू जी कहेंगे मैं, लालू जी ने बहुत कुछ किया, नो डाउट लालू जी ने बहुत कुछ किया, अब उम्र उनकी हो गई है, तो लालू जी से उम्मीद नहीं करूंगा कि तबियत खराब हो जाए, लेकिन तेजस्वी और तेज प्रताप तो युवा है ना, उनको खड़ा होना चाहिए। चिराग पासवान जी कल कह रहे थे कि दलितों के ऊपर आंच उठेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अरे जो मैं देख रहा हूँ वीडियो से, आप ज्यादा अच्छा बताइए राज कपूर जी, जिन क्षेत्रों में दरभंगा और आसपास के जो जिले हैं जिनको लोग बता रहे हैं कि लगभग 50 विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ का तगड़ा प्रकोप है,
उसमें ज्यादा आबादी किसकी, आप भी तो बिहार के हैं, बताइए ना, आप बताइए जरा। मैं आपसे पूछ रहा हूं आज कपूर जी। हाँ, उस क्षेत्र में दलितों की आबादी, मुसलमानों की आबादी, पिछड़े अत्यंत पिछड़ों की आबादी बहुत है, और उधर बहुत गरीबी, इसी वजह से वहां बहुत गरीबी है, क्योंकि साल में 3-4 महीने मतलब बाढ़ आती है, सब कुछ तबाह हो जाता है। हाँ, हर साल। तो ये सोचना पड़ेगा ना, ये बिहार की जनता निर्णय ले। ठीक है, लालू जी ने बहुत क्या सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, नीतीश जी ने लड़ी, मैं मानता हूं लालू और नीतीश ने बिहार के पिछड़ों दलितों को हक दिलाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन अब वो लोग जिस तरह से पप्पू यादव उनके मुसीबत में खड़े हो रहे हैं और लगातार खड़े हो रहे हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से आप मुझसे पूछिएगा तो बिहार का असली बेटा आज की डेट में जो कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना, भगवान करे कि उनको श्रवण कुमार जैसा बेटा मिले अपने आप, वो क्या होती है ना, आशीर्वाद देते हैं लोग कि बेटा तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बने, माँ बाप की सेवा करे। हर नेता बोलता तो है कि जनता हमारी मालिक है, देश की जनता हमारा, बिहार की जनता, इस हमारे क्षेत्र की जनता हमारे परिवार है। अरे तो तुम परिवार के दुख दर्द में क्यों ही खड़े हो रहे हो? आज प्रशांत किशोर पांडे ये रैली नहीं करते जो पटना में रैली की, लाखों की भीड़ थी, इसमें से कुछ हजार लोगों को लेकर चले जाते। आयोजन देख लीजिए किस तरह का आयोजन हुआ, कई करोड़ रुपए आयोजन में खर्च हुआ होगा। ANI लाइव कर रहा है, सबको पता है कि ANI कैसे लाइव करता है, ड्रोन कैमरे से शूटिंग हो रही है। और मतलब मुझे तो विपक्ष का एक रवैया बड़ा बेकार लगा, राष्ट्रपति जी, विपक्ष के कुछ लोग रैली शुरू होने के पहले हल्ला मचा रहे हैं कि प्रशांत किशोर पांडे की रैली में कोई आदमी नहीं आया। मतलब दोनों, जो विपक्ष है और जो विपक्ष प्रशांत किशोर पांडे हो चाहे सत्ता पार्टी, सबके सब जनता का ध्यान मुख्य मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। बिहार इस वक्त, बिहार की एक अच्छी खासी आबादी बाढ़ से जूझ रही है और हर साल यहाँ बाढ़ आती है। इस बार नेपाल ने जितना पानी छोड़ा उतना पानी तो पिछले 50-60 सालों में लोग बता रहे नहीं छोड़ा। तो और सब जानते हैं कि वो जो क्षेत्र है दरभंगा के आसपास, क्या कहते हैं, कोसी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ कोसी क्षेत्र, हाँ, तो वहां मतलब बहुत गरीबी है। तो ऐसी जगहों पे और उसका आप कोई इंतजाम भी नहीं कर सकते हैं। एक तो सवाल है कि भाई 77 सालों में जब सबको पता है कि यहाँ नेपाल ऊपर है, वहां पानी इकट्ठा होगा, बरसात होगी तो पानी छोड़ेंगे, तो क्यों नहीं पिछले 77-78 सालों में, 77 साल हो गए आजादी हुए, 77 सालों में सरकार ने कई जो भी सरकार रही हो, किसी सरकार ने इस बाढ़ से राहत पाने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई। इस साल रिकॉर्ड तोड़ 2.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, 2.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं छोड़ा गया था। तो बताइए ना, या तो नीतीश जी बोले कि हम बूढ़े हो गए हैं, तो उनके कोई भाई दो ठोक मुख्यमंत्री हो जाते, उनका युवा नेता जाता, सुनने में तो आ रहा है कि तेजस्वी जी दुबई गए हैं और JDU के भी कोई मनोनीत महासचिव हैं, वो भी दुबई गए हैं। तेज प्रताप जी कहां है पता नहीं चल रहा है। मैं तेज प्रताप को मानता हूं कि जमीन के नेता घूमते रहते हैं, लेकिन वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बाढ़ में तो कम से कम नहीं नजर आ रहे हैं, हैं? और वहां बाढ़ में नजर कौन आ रहा है? वो सख्त जिसके पिता की भी मौत हुई है, वो सुख दुख में खड़ा है। तो असली बेटा राजकुमार, राज कपूर जी, बिहार का असली बेटा मेरे हिसाब से होने का फर्ज सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव ने निभा रहे हैं, बाकी लोग नेता दी। आपने पप्पू यादव के बारे में तो जो बातें बता दी वो मीडिया में भी चलती है और बिहार के बाहर के लोग तो मीडिया के माध्यम से ही जानते हैं कि कोरोना काल में खड़े रहे, पटना की बाढ़ में खड़े रहे
और उनके क्षेत्र में तो बाढ़ आता है तो हर साल खड़े ही रहते हैं। लेकिन कुछ बातें मैं अभी जोड़ देता हूं कि पप्पू यादव बिहार के गिने चुने उन नेताओं में से एक हैं जो किसी भी व्यक्ति की, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूं, चाहे कोई जिला हो, अगर किसी की दुर्घटना में मौत हो जाती है, किसी के घर में आफत आ जाती है, किसी का बच्चा पढ़ाई के लिए क्वालिफाई कर जाता है, पैसों की कमी है, स्कॉलरशिप चाहिए, किसी के अस्पताल में पैसे की जरूरत है, किसी की बेटी के विवाह में पैसे की जरूरत है, बिना राज्य और बिना शहर जिला देखे हुए पप्पू यादव मदद करते हैं। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल है, आप उनके सोशल मीडिया साइट पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं जो आपसे अगला प्रश्न कर रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि पप्पू यादव जब सांसद होते हैं या नहीं होते हैं, तब भी वो उसी फॉर्म में होते हैं, लेकिन बिहार के कई नेता जिनके पास संसाधन है, पैसे हैं, पार्टी है, पार्टी में हजारों लाखों लोग हैं, फिर भी वो लोग पप्पू यादव की तरह इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्यों नहीं उतर पाते हैं? मैं क्यों का सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं उतर पाते हैं वो लोग? देखिए, हर आदमी चाहता है कि मंच से बड़ी बड़ी बातें करें, त्याग और तपस्या की बात करें, एयर कंडीशन कमरे, टीवी के एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के काम करें, और एक ट्विटर आ गया है कि ट्वीट पे ट्वीट कर दीजिए कि हम आपके दुख में दुखी हैं। अरे भैया, दुखिया को जाके उसका आंसू पोंछो। देखिए, पप्पू यादव के पीछे लोग हैं जो पप्पू यादव को सारी मतलब होता ना कि सब लोग, बहुत से लोग उनकी मदद करते होंगे, पप्पू यादव जी लीजिए आप भाई, सामाजिक ढांचा है, कहीं ना कहीं से उनको तो मिल रहा होगा ना, अनाज आ रहा होगा, वो आ रहा होगा, क्योंकि तो सबको पता कि इनको हम देंगे तो हम आज सही आदमी तक पहुंचा देंगे। बिल्कुल सही बात। तो ये परेशानी है। मुझे याद है कि जब उनका बंगला खाली किया गया था 2019 में, लोकसभा चुनाव हार गए थे, तो बिहार के बहुत लोग बड़े दुखी हो गए थे, क्योंकि सबको पता था कि आप भाई, हम भी बलिया के रहने वाले हैं, हमारी ननिहाल जो है, मेरी माँ बिहार के भोजपुर की रहने वाली है, तो हमको मालूम है, ठीक है, ब्राह्मण है और वो अलग थोड़ा सा पढ़े लिखे परिवार से भगवान ने पैदा कर दिया था, आर्थिक रूप उतनी आर्थिक रूप संपन्नता रही है। लेकिन हमने देखा है, जैसे हमारे मामा थे आईएएस में, एलाइड सर्विसेज में थे, जिंदगी भर दिल्ली में रहे, तो मामा के घर में भोजपुर के बहुत लोग आते थे। अच्छा। मामा का घर हमेशा खुला रहता था, तो उनसे हमने सीखा कि वो आएगा, कोई दिल्ली में किसी को एम्स में इलाज कराना है, किसी को किसी एम्बेसी में जाना है, किसी को कोई नौकरी, कई लोग तो आके उनके रह के नौकरी ढूंढे। तो ये बिहार के लोगों की, भाई हमारे गांव के फलाने हैं तो उनके घर चल के रहना है। आज जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे 1986 में बनारस से, तो हम लोग को बड़ा दूसरे तरीके से देखा जाता था, बनारस के लोगों को, यूपी के लोगों को भैया या बिहारी कहा जाता था। आज दिल्ली में यूपी और बिहार वालों के बगैर आप पत्ता नहीं ला सकते। तो पप्पू यादव का जब मकान छीना गया तो बड़ी चर्चा हुई, लोगों ने बहुत लोग रोए कि हम लोग कहाँ रुकेंगे, भाई आप आए हैं इलाज कराने के लिए, डॉक्टर ने बोला 4 दिन बाद आना है, तो आप इतना पैसा कहने की फिर ट्रेन रिजर्वेशन कराइए, वापस जाइए। तो पप्पू यादव क्या रह गए वहां, 24 घंटा खाना बनता था सबके इलाज के लिए, अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस वगैरह सारी व्यवस्था होती थी। लेकिन जनता ने, मतलब सरकार ने उनका बंगला खाली करा दिया था। जनता, बिहार की जनता ने, देखिए पूर्णिया में ये संदेश दिया कि जो हमारे दुख में खड़ा रहेगा उसके साथ हम खड़ा रहेंगे, इसीलिए उस चुनाव में उसने मतलब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को भी हरा दिया, पूर्णिया से भाजपा को, कहा कि हमारा बेटा दिल्ली में जरूर बैठे। आपने एकदम सही बात बोली जो, और बड़ी जानकारी भी दे दी, और मैं भी इस बात को जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि जो पप्पू यादव का आधिकारिक सांसद निवास है, वो जब बीच में चुनाव हार गए थे उससे पहले भी
खासकर एम्स में जो इलाज करवाने वाले लोग आते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से, वो वहां ठहरते हैं, चाहे वो 2 दिन ठहरना हो या 10 दिन ठहरना हो। और इस बार भी बहुत चुनाव जब जीते हैं तो चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने सांसद निवास को जनता आवास घोषित कर दिया और उसी दिन कहा कि अब फिर से बिहार यूपी के आने वाले लोग, खासकर जो इलाज कराने आते हैं और भी किसी कारण से जो लोग आते हैं, उन्होंने अपने घर को कहा कि आप यहाँ ठहरिए। और ये सही बात है कि उनके घर पर रोज प्रतिदिन लगभग 200 से 250 500 लोगों के खाने का इंतजाम रहता है। और तभी आपने सही बात कही कि पूर्णिया की जनता ने अपना फैसला पप्पू यादव के पक्ष में सुनाया था और आज जब बाढ़ में फिर से एक बार पप्पू यादव उनके बीच हैं, तो बिहार के 40 सांसद वाले क्षेत्रों में से जो एक क्षेत्र पूर्णिया है, उसके अलावा जो 39 संसदीय क्षेत्र है, वहां के जनता भी सोच रहे होंगे कि काश हमारे यहाँ भी पप्पू यादव ऐसा नेता होता। आपने सारी बातें बता दी और हम दर्शकों से भी जानना चाहते हैं, दर्शक कमेंट करके बताएं कि आलोक पाठक जी ने जो आज बातें बताई है उससे वो कितना सहमत है, और अगर उनके नजरिए से कोई और व्यक्ति बिहार का बेटा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, कल किसी और मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।